आज हम तरंग वेव पर बात करेंगे। तरंग होता क्या है, वेव होता क्या है? जब ऊर्जा का संचरण दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसे ही तरंग कहते हैं। जब ऊर्जा का संचरण दोलन के रूप में होता है या कंपन के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है तो इसे ही तरंग कहते हैं। अब तरंग कितने तरह के होते हैं? तो तरंग चार तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स चार होते हैं। पहला माध्यम के आधार पर, दूसरा है ऊर्जा संचरण के आधार पर, तीसरा है विमीय आधार पर और चौथा है कणों के आधार पर। तो अब हम बारी बारी से चारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो यांत्रिक तरंग क्या होता है? जब किसी भौतिक माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलता है और विक्षोभ माध्यम में बिना स्वरूप परिवर्तन के आगे स्थानांतरित होता है तो इस प्रकार के विक्षोभ को या तरंग को यांत्रिक तरंग कहते हैं, जैसे स्प्रिंग का तरंग। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तरंग जिनकी स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार की तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रेडियो तरंग होता है। अब ऊर्जा संचरण के आधार पर कैसे होता है? तो ऊर्जा संचरण के आधार पर दो तरंगे होती हैं। पहला है प्रगामी तरंग, दूसरा है अप्रगामी तरंग। प्रगामी तरंग मतलब प्रोग्रेसिव वेव और अप्रगामी तरंग मतलब नॉन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तरंगे माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे की तरफ बढ़ती हैं। अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों के सभी कणों का आयाम समान होता है, उदाहरण जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। ये तरंगे माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं और इनका वेग निश्चित रहता है, नियत रहता है और सभी कणों का आयाम भी समान होता है। दूसरा है अप्रगामी तरंग, नॉन प्रोग्रेसिव वेव। जब दो तरंगे जिनका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बराबर हो, और दोनों तरंगे आपस में विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो इन दोनों तरंगों के आधारोपण से एक स्थिर तरंग बनती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिर प्रतीत तरंग को ही अप्रगामी तरंग कहते हैं, जैसे बांसुरी और गिटार की तरंगे। अब विमीय आधार पर क्या होता है? तो इसमें भी तीन तरह के तरंगे होती हैं। पहला है एक विमीय तरंग, दूसरा है द्विविमीय तरंग और तीसरा है त्रिविमीय तरंग। मतलब है कि वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव और थ्री डायमेंशनल वेव। तो वन डायमेंशनल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। जब तरंग किसी दिशा या विमा में गति करती है या एक सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की तरंगों को एक विमीय तरंग वन डायमेंशनल वेव कहते हैं। जैसे सीधी बंधी हुई रस्सी में तरंग उत्पन्न होना। दूसरा है टू डायमेंशनल वेव, द्विविमीय तरंग। जब कोई तरंग दो विमाओं में गतिशील हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तरंग किसी तल में गति करती है, तो उन तरंगों को टू डायमेंशनल वेव कहते हैं, जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। अब तीसरा है थ्री डायमेंशनल वेव, मतलब त्रिविमीय तरंग। जब कोई तरंग तीनों विमाओं में गतिशील रहती है, अर्थात स्वतंत्र आकाश में तीन विमाओं में गति करती है, तो इस प्रकार की तरंगों को थ्री डायमेंशनल वेव कहते हैं, जैसे रेडियो तरंग। अब चौथा है, आगे बात करते हैं कणों के आधार पर। तो कणों के आधार पर भी
दो तरह की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात करें, जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जैसे प्रकाश की तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव अनुप्रस्थ तरंग, ऐसी तरंग जिसके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ऐसे तरंग इस माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं, जिस दिशा में तरंग चलता है उसी दिशा में तरंग भी गत करता है। तो इस तरह के तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। तो दो तरह के तरंग होंगे, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।